उत्तर मुझे प्रश्न संख्या 4107 आ गया, उत्तर मुझे मिल गया है। डोटासरा साहब क्या आपकी दुश्मनी है क्या कोई? हाँ, ये प्रश्न काल का विषय नहीं है। हम लोग शेखावाटी के हैं, खड़े होते ही आप खड़े हो जाते हैं। अगला प्रश्न और फिर बैठना पड़ता है। माननीय सदस्य अगला बैठिए, बैठो कन्नर साहब बैठे। गुरु पूर्णिमा पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 4160 माननीय मंत्री जी, और उत्तर मैंने पढ़ लिया है, उत्तर मैंने पढ़ लिया है। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ पूरा प्रश्न कि 2022 की अप्रैल से ड्रग ऑफिसर्स की भर्ती का काम चल रहा है। मैंने इसमें जानना चाहा कि क्यों नहीं हुई अब तक भर्ती, इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं। नंबर एक माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल दो पहले अलग डिपार्टमेंट्स थे, 5/4/2022 में इनको मर्ज कर दिए गए, और मर्जर से पहले खाली 98 फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट थी जो ऑक्यूपाइड थी। मर्जर के बाद 300 नई पोस्ट क्रिएट करी गई, इनमें से आरपीएससी जो है वो 200 आरपीएससी के जरिए करीब करीब अभी फाइनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है। हमारे 200 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स अभी जल्दी आ जाएंगे, और 100 जो है उनका मामला कोर्ट में लंबित है। कुल मिला के ये लंबित वाले भी हमारे साथ आ जाते हैं कोर्ट के बाद में, तो लगभग 98 से 398 हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो हमारी चेकिंग का जो स्पीड है, जो ज़्यादा चेकिंग है, वो एकदम हमारी बढ़ जाएंगी। हमने ये आज जैसे मैंने अर्ज किया कि ज़्यादा समय नहीं है, 98 से 298 तो जल्दी हो जाएगा, और 100 जो कोर्ट जो है हमें आशा है उसमें भी जल्दी हो जाएगा। माननीय सदस्य, ये मेरे सवाल का उत्तर ही नहीं है। मैंने सीधी सी बात पूछी है कि भर्ती क्यों नहीं हुई। तीन शब्द हैं, भर्ती क्यों नहीं हुई, चार शब्द हैं। भर्ती का बता दीजिए उत्तर ही। अगला हो गया, अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, है ना, आप दो पूछ लिए। मैंने पूछा भर्ती क्यों नहीं हुई, जवाब नहीं दिया। मैंने अध्यक्ष महोदय भर्ती का बता दिया कि आरपीएससी से जो हो रही है 200, और बाकी के कोर्ट में लंबित है, तो पूछ रहे क्यों नहीं भर्ती हो रही है। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है, मैंने इसमें जानना चाहा कि जिन लोगों के खिलाफ मिलावट के मामले दर्ज हैं उनकी सूची प्रस्तुत की जाए, वो मेज पर नहीं रखी गई है। और भाषागत सवाल है कि इसमें लिखा हुआ है मिलावट के प्रति जागरूक करने के लिए ये हो रहा है, मेरा कहना है मिलावट के खिलाफ जागरूक करने के लिए ये हो रहा है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेन तो माननीय सदस्य ने टेस्टिंग लैब्स के बारे में पूछा था, उन्होंने उसकी कोई अभी चर्चा नहीं करी। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लैब टेस्टिंग की जो मोबाइल यूनिट्स 34 हैं, ऑन द स्पॉट अवेयरनेस जन जागरूकता के लिए, ये हमारा जो अभियान है 15/2/2024 को सरकार का जो शुरू हुआ, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये जो है 70,550 जांचें की गई, और 6,031 जो FSO ने एनफोर्समेंट सैंपल्स किए, 38,651 किलो जो अशुद्ध चीज़ें थी, जितने भी खाने पीने की, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। हमारे 11 जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अभी चल रही हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जालौर, चूरू, 7 नई जो लैब्स हैं, 12 बाड़मेर, धौलपुर, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, गंगानगर, इनमें बिल्डिंग्स रेडी है, इक्विपमेंट आते ही ये चालू होंगी। माइक्रोबायोलॉजी जो लैब है जयपुर में, वो बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें इस अभियान के तहत हमें पूरे देश के अंदर फर्स्ट प्राइज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और अभी 1100 जो मामले हैं कोर्ट के में लंबित हैं, 2000 प्लस कुल हमारे चालान हुए हैं, 4 करोड़ रुपए जो है पेनल्टी के लिए गए हैं,
और जो फाइन्स जो हैं 1 लाख से 10 लाख की फाइन होती है और 6 महीने की सजा या बहुत ही खराब कोई ज्यादा मिलावट हो जहरीली उसके अंदर उसके आजीवन कारावास होता है।